टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। सत्र पूजन के दौरान फायरिंग वीडियो वायरल, बरेली के हरि मंदिर में दशहरा पूजा के दौरान कई राउंड गोली चली। मैनपुरी में बीए की छात्रा का शव बेड पर मिला, बहन बोली गांव के युवक ने दीदी को रेप के बाद मार डाला, मैंने उसे घर से भागते देखा। तेलियरगंज इलाके में डेंगू का प्रकोप ज्यादा, प्रयागराज के शहरी इलाकों में मिले चुके डेंगू के 201 मरीज। अमरोहा में धू धू कर जला अहंकारी रावड़, डीएमएसपी ने छोड़ा तीर, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। आगरा में 2 मिनट में धराशाही हो गया रावड़ का पुतला, दहन से पहले हुआ आतिशबाजी का मुकाबला। रायबरेली में बारिश के चलते स्कूल बंद, 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में डीएम ने कराई छुट्टी, बीएसए जारी किए आदेश। महोबा में युवती को बंधक बनाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी मिली गांव के ही हैं आरोपी। अंबेडकर नगर में युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव, सिर पर धारदार हथियार से किया हमला। जौनपुर में शक्ति कुंड में भव्य तरीके से संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन, के क्रेन से विसर्जित की गई बड़ी प्रतिमाएं। मुजफ्फरनगर में कोरियर के बहाने बुलाकर मारपीट, चरथावल में बोलेरो सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। फरुखाबाद में डग्गामार वाहनों के खिलाफ चला अभियान, 2 दिन में काटे गए 417 चालान, 3,22,000 लगाया गया जुर्माना। सहारनपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, बस से टकराई कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 1 घायल। बिजनौर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुलायम सिंह के स्वस्थ होने के लिए हवन, प्रयागराज के हनुमान मंदिर में सपाइयों ने की दीर्घ आयु की कामना। हापुड़ में 2 अलग अलग युवतियों से रेप, पड़ोसी ने घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम, 1 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में स्कूल के भवन में चल रही पंचायत भवन, बच्चों के पठन पाठन में होती है दिक्कत, जिम्मेदार मौन। पीलीभीत में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म, गन्ने के खेत में खींच कर ले गया आरोपी, विरोध करने पर पीटा। हापुड़ में गोली कांड का खुलासा, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बहन ने रचा षड्यंत्र, सैर करने गए 3 पर हमला कराया। सहारनपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल मौसी के घर से वापस लौट रहा था युवक। बरेली में रावण दहन के दौरान सिपाही घायल, सिपाही पर गिरी जलती हुई बल्ली, सिपाही का अस्पताल में चल रहा इलाज।
चोरी और लूट करने वालों पर लगी गैंगस्टर। अलीगढ़ में गांधी पार्क पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। बिजनौर में रावण दहन के दौरान पुलिस ने भांजी लाठी। रामलीला मैदान में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने चलाई लाठी। कौशाम्बी में राम और रावण का हुआ युद्ध। कुप्पी देकर एक दूसरे पर किया वार। यहां दशहरा को नहीं एकादशी को जलता है रावण। उन्नाव में सिपाही की मौत। दशहरा पर हसनगंज में ड्यूटी कर लौट रहे थे घर। बेटी लेकर गई थी जिला अस्पताल। प्रयागराज में विसर्जन के दौरान हादसा। 2 की मौत। वर्णा और गुरामा नदी में प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे युवक। बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग गिरने से टला बड़ा हादसा। मकानों के कुछ हिस्से मिट्टी की ढांग के साथ नीचे गिरे, हुआ भारी नुकसान। फिरोजाबाद में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबते हुए युवक को पुलिस ने बचाई जान। लखनऊ में उधारी के चलते युवक ने की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में भारी बारिश से बाढ़ का कहर। नेपाल सहित पहाड़ों पर हुई बारिश से खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। अलीगढ़ में सीएनजी के पैसे मांगने पर कार सवार बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। वारदात को अंजाम दे फरार हुए। आगरा में धूमधाम से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी। आयोजन के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अलीगढ़ में दशहरा पर्व पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने की हथियारों व शास्त्रों की पूजा। फोटो हुआ वायरल। अंबेडकर नगर में पुलिस की कार्यशैली से परेशान रेप पीड़िता ने घर में की खुदकुशी। पुलिसिया सिस्टम पर उठ रहे सवाल। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर शिक्षक भर्ती को लेकर किया प्रदर्शन। पिछले 5 साल से हो रहा है प्रदर्शन। औरैया में विशाल रामलीला मंचन का हुआ आयोजन। आयोजन में सांसद सुब्रत पाठक ने किया भगवान राम एवं लक्ष्मण मां जानकी की आरती। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति ने किया प्रेस वार्ता। 16 अक्टूबर को मेले में शामिल होंगे सांसद सतीश गौतम। बदायूं के इस्लाम नगर ब्लॉक क्षेत्र के गांव में लगा गंदगी का अंबार। शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। बलरामपुर में नगर कोतवाली की पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। देहात कोतवाली की पुलिस ने की दिखाई अपनी करतब। गोंडा में लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। डीएम ने जारी किया हाई अलर्ट। हरदोई में क्षत्रिय महासभा द्वारा मनाया गया विजयदशमी का भव्य पर्व। हजारों की संख्या में क्षत्रियों ने लिया भाग। कानपुर के साड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत का मामला में मुख्य आरोपी राजू निषाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लखनऊ में नशे का कारोबार चरम सीमा पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद खुलेआम बेचा जा रहा धड़ल्ले से गांजा। कानपुर में मोरंग भरे ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, ट्रक के नीचे दबा ऑटो, दो लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की बारात, बारात को नगर में कई जगह किया गया स्वागत। प्रयागराज में विजयदशमी पर श्री महंत बाबा हाथी राम पजावा और पत्थर चट्टी का निकाला राम दल, भक्तों ने किया पूजा अर्चना। रामलीला में मूर्ति विसर्जन कर जा रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, एक घायल। सीतापुर में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने एक के घर को बनाया निशाना, नकदी समेत लाखों का सामान किया पार। मैनपुरी में दुष्कर्म के बाद छात्र की गला घोट कर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में सांसद निधि से बनवाया गया था पुल, पानी में हुआ डामाडोल, पुल डूबने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सिद्धार्थनगर में पुलिस की मुस्तैदी से बिजौरा घाट पर बड़ा हादसा होने से टला, पुलिस के प्रभार को क्षेत्र की जनता की तरफ से दिया गया धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में मनाया गया वन्य प्राणी सप्ताह, कार्यक्रम में बताया गया वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए। रायबरेली में सीवर लाइन का पाइप फटने से मस्जिद की नींव धसी, मस्जिद की दीवारों पर आई दरारें, जिम्मेदार अधिकारी मौके से नदारद। चंदौली में सपा संरक्षक के लिए कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन, अपने नेता की तबीयत खराब होने से कार्यकर्ता चिंतित। गोंडा में ताबड़तोड़ बारिश, जनपद में रेड अलर्ट जारी, नगर पालिका परिषद के साथ साथ सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दिए गए निर्देश। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी, टक्कर से पलटी ऑटो में चालक समेत पांच घायल। लखीमपुर खीरी में रोड के किनारे पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों के मुताबिक युवक शराब का था आदि। प्रदेश में 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश से तापमान में हुई बड़ी गिरावट। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मंत्री ने गौशाला में किया गणेश पूजा और गायों की पूजा। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, साहू सिनेमा हॉल के बाहर आवारा कुत्ते ने छोटे बच्चे को काटा। बुलंदशहर में विशाल अजगर के पहुंचने से हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को काबू कर कब्जे में लिया। श्रावस्ती में दो दिन से हो रही बारिश में दिखा जल प्रलय का नजारा, कलेक्ट्रेट और विकास भवन में भरा पानी। प्रयागराज में सफाई कर्मियों ने थाने को घेरा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे सफाई कर्मी, एफआईआर दर्ज। संभल में दलित महिला पर एसिड अटैक, खेत में बंधक बनाकर पीटा, प्रधानी के चुनाव से
चली आ रही थी रंजिश। अलीगढ़ में दबंगों ने तोड़ा टोल कर्मचारी को पीटा, मैनेजर बोले विधायक के लोगों ने की मारपीट, दो आरोपी हुए गिरफ्तार। अयोध्या में दो स्थानों पर गिरी आकाशीय बिजली, छप्पर के आवास पर गिरा पीपल का पेड़, किशोरी की दर्दनाक मौत, चार घायल। उन्नाव में कच्ची दीवार गिरने से वृद्धा की मौत, घर में बनी कोठरी में चारपाई पर लेटी थी महिला, बारिश से हुआ बड़ा हादसा। वाराणसी में आदि पुरुष के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, नाजनीन और नजमा बोली फिल्म के कलाकारों पर दर्ज हो FIR। बाराबंकी में रावण की देवताओं को खरी खोटी, पानी गिरने से नहीं जल पाया रावण, गुस्से में बोला ये देवता मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। संतकबीर नगर में छात्रा की मौत के बाद जागा प्रशासन, खलीलाबाद में स्कूल के टाइम भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री का आदेश। सीतापुर में MDM बनाते समय प्रेशर कुकर में ब्लास्ट, तीन लोग घायल, रसोईया के सिर पर आई गंभीर चोट। आजमगढ़ DM ने किया अस्पताल का निरीक्षण, OPD में नहीं मिले डॉक्टर, दलालों की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। बैंकों में पुलिस का चेकिंग अभियान, मुरादाबाद में पुलिस ने बैंकों में की चेकिंग, ATM बूथों पर भी पूछताछ। बलरामपुर में दूध लेकर जा रही पलटी पिकअप, हादसे में बच्ची की मौत, मां पिता गंभीर रूप से घायल। फरुखाबाद में वाहन स्टैंड पर पर्ची को लेकर चले चाकू, रावण दहन के बाद हुआ था विवाद, चाचा भतीजे घायल, आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में घर में घुसकर मारपीट, शराब पीकर आरोपियों ने खड़ा किया बखेड़ा, कुछ ही दूरी पर खड़ी रही पुलिस। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं।